दोस्तों, यह कहानी रामायण की कहानी है और यह कहानी एक रहस्यमयी कहानी है जिसे सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। दरअसल यह कहानी लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के बारे में है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि रामायण में राजा दशरथ और उनकी तीन पत्नियां थीं और राजा दशरथ के तीन पत्नियों से चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन चार पुत्रों में से उनके एक पुत्र का नाम लक्ष्मण था और लक्ष्मण की पत्नी का नाम ही उर्मिला था। दोस्तों, अब हम इस कहानी को विस्तृत रूप में सुनते हैं। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, आप कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था और जब राम को राजा दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया और राम जी जंगल में 14 वर्ष वनवास काटने के लिए अपनी पत्नी के साथ चल दिए, तो लक्ष्मण भी राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। और लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद से ही यह कहानी शुरू होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पूरे 14 वर्ष की वनवास के दौरान लक्ष्मण भाभी और भैया की रक्षा करने के लिए कभी सोए ही नहीं थे, क्योंकि लक्ष्मण वन में अपने भैया और भाभी की रक्षा में बहुत तल्लीन थे और वो कभी भी सोते ही नहीं थे। दोस्तों, पहले तो मैं आपको यह अवगत करा दूं कि जब वनवास के पहली रात को भगवान श्री राम और माता सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद नहीं आए, जिससे कि वह अपने प्रिय भैया और भाभी की रक्षा कर सकें। तब निद्रा देवी ने लक्ष्मण की बात को भली भांति सुना और उनसे आग्रह किया कि यह तो संभव ही नहीं है। लक्ष्मण के द्वारा बार बार यही अनुरोध करने पर निद्रा देवी ने उनसे कहा, यह संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह संभव हो सकता है। यदि तुम्हारी जगह पर कोई और निद्रा ले। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से कहा कि ऐसा तो कोई इंसान मुझे ढूंढना पड़ेगा, परंतु ऐसा विश्वसनीय मनुष्य तो एक ही है। निद्रा देवी ने उस मनुष्य का नाम पूछा तो लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला का नाम उन्हें बताया। उनकी पत्नी का नाम जानकर निद्रा देवी लक्ष्मण जी के विशेष अनुरोध पर अयोध्या गईं और उनकी पत्नी उर्मिला से मिलीं।
उर्मिला से मिलकर निद्रा देवी ने उससे अनुरोध किया कि उसके पति तो भैया भाभी की सेवा में दिन रात जागना चाहते हैं और उनकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेने के बाद सोए नहीं। लेकिन एक विकल्प है कि लक्ष्मण की जगह पर अगर आप 14 वर्ष के लिए सोने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो आपकी जगह पर लक्ष्मण जी प्रभु राम और सीता की रक्षा हमेशा जागकर कर सकते हैं। अपने पति के द्वारा किए गए निद्रा देवी के लिए अनुरोध को सुनकर उर्मिला निद्रा देवी के अनुरोध को ठुकरा ना सकी और उसने सब कुछ जानकर 14 वर्षों तक सोने के लिए स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, इस प्रकार से लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागते रहे और अपने भाई भाभी की सेवा करते रहे। लेकिन उर्मिला अपने पति की इच्छा के अनुसार निद्रा देवी का कहना मानकर अयोध्या में 14 वर्षों तक बराबर सोती रही। और इस तरह से लक्ष्मण ने राम और सीता की रक्षा की। दोस्तों, उर्मिला के द्वारा 14 साल तक सोने कि इस कहानी का रहस्य यही था। दोस्तों, यह रामायण की कहानी के अनुसार मैंने आपको कहानी बताई है। अगर आपको पसंद आई हो तो अवश्य ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर भी अवश्य ही करें। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।